हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं उमान पांडे, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल आनंददार टेक्नो में। मित्रों, मैं लौट आया हूं फिर से इस वीडियो के साथ जो मैंने बताया था आपको कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं। एक्चुअली मित्रों, मैं उसी वीडियो में बता देता कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, लेकिन वो वीडियो बहुत भारी हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि ये वीडियो भी कम से कम 10-12 मिनट का होगा जो मैं अब ब्लॉगिंग के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे ब्लॉग बनाया जाता है। तो चलिए, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे और सीधे मेन टॉपिक पे जाते हैं कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो चलिए मित्रों, यहाँ पे आपको आना है क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद में यहाँ पे लिखना है www, या फिर लिखना है डायरेक्ट लिखना है blogger.com। ठीक है, ये ओपन हो रहा है मित्रों, और पहले से मेरा ब्लॉग है वो ऑन हो गया है। यहाँ पे दूसरा मैं ईमेल आईडी यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो शायद इस पर भी मेरे 4-5 ब्लॉग होंगे इस पर। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं शुरुआत से आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए इसको मैं बाहर आना चाहूँगा यहाँ से। ठीक है, ये देखिए हमारा ब्लॉग है पहले से यहाँ पे। तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से क्रिएट वर्ड अभी है, तो यहाँ से मैं आता हूँ न्यू ब्लॉग पे। ठीक है, यहाँ से क्रिएट ए न्यू ब्लॉग, यहाँ पे आने के बाद ये आपको दिखेगा, क्योंकि मेरा पहले से था ब्लॉग, इसलिए मेरा नहीं दिखा, अभी दिख रहा है आपको, शुरू से ही दिखेगा क्रिएट ए न्यू ब्लॉग। तो आपको क्रिएट ए न्यू ब्लॉग पे आना है। ठीक है, इस पे आपको टाइटल लिखना है, जहाँ पे अभी मेरा रो है। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है कि क्या आप लिखने वाले हैं, क्या मतलब किस तो आपके ब्लॉग का नाम क्या रहेगा। यहाँ पे लिखना है आपका एड्रेस, वही एड्रेस जो blogpost.com होता है। ठीक है, आपका नाम लिखना है आपका, यहाँ पे मैं APG ब्लॉग लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख देना है अपना ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस इस तरह से होता है, आनंद, जैसे मैंने लिखा आनंद blogpost.com, ये सही नहीं है, यहाँ पे पीला दिखा रहा है, इसे हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे। ठीक है, ये पहले से यूज हो चुका होगा, ये डोमेन कह सकते हैं इसे हम। तो यहाँ से हम थोड़ा बदलाव करके आनंद p blogpost.com नहीं लिया। तो चलिए, मैं कुछ आनंद 130, देखिए ये एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे ग्रीन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लिया, हमारा ये नाम है, हमारे जो है एड्रेस हो गया blogpost.com, आनंद130 blogpost.com। ठीक है, हमारा ये टाइटल यानी ब्लॉग का नाम और ये ब्लॉग का एड्रेस देख लीजिए, ये थीम है, इसे हम जो है यही ले लेते हैं अभी फ़िलहाल, बाद में इसे हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से कोई भी ले सकते हैं हम, लेकिन अभी हम वही रहने देते हैं जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे है। तो चलिए, यहाँ से हमें इसे वो क्रिएट न्यू पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक कर लिया हमने, अब ये हमारा ये तैयार हो गया। ये देखिए, इस तरह से हमारा ब्लॉग आ जाता है, जो कि हम एंड्रॉयड मोबाइल में बता रहे हैं आपको। आपको PC पे भी सही सेम इसी तरह से करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा नाम ये आ गया है, इसे हम बदलने के लिए कह रहा है कि अगर बदलना चाहे तो डोमेन परचेज कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये ख़रीदने के लिए कहेगा, मैं नहीं ख़रीद रहा हूँ, यहाँ नॉन थैंक्स कर दिया, तो भी यहाँ पे एक बार पूछेगा जरूर। ये देखिए, पूछ रहा है कि यहाँ से ये ख़रीद सकते हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है नीचे में वो सही है, और ये कम इतना जो है इस पर सर्चिंग आएगा। तो फिलहाल बाय करने का मतलब यही होता है कि ये जो ग्रीन गैलरी करके दिखा रहा है आपको, इस टाइप के जो ग्रीन में है लास्ट में वो सही हैं। ठीक है, मैंने अभी वही रहने देता हूँ जो पहले था। और फिर क्या करना है यहाँ से मित्रों, हमारा ये ब्लॉग कम्प्लीटली पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, खाली न्यू पोस्ट आप दिख रहा है आपको, ये हमारा ब्लॉग का नाम हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कई ब्लॉग मेरे हो गए हैं यहाँ से, जिस पे अभी मैंने यही रहने देना है, और इसी पे मैं बताता हूँ, क्योंकि नया ब्लॉग मेरा यही है। तो APG ब्लॉग पे मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, यहाँ व्यू व्यू ब्लॉग पे करेंगे तो व्यू कैसे आपको ब्लॉग दिखता है वो आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए हमारा ब्लॉग इस तरह से दिखेगा, हमारे ब्लॉग का थीम से है और ये इस तरह से दिखेगा। चलिए बैक होते हैं, बैक होने के बाद में यहाँ पे न्यू पोस्ट आप देख रहे हैं आपको, ये न्यू पोस्ट है, तो यहाँ पे क्लिक करना है नया कुछ पोस्ट करने के लिए, मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद मित्रों ये ओपन होगा इस तरह से। यहाँ पे हमें लिखना है टाइटल,
जो मैं अब लिखूंगा, जो भी पोस्ट मैं करूंगा, वो चीज़ का टाइटल लिखना है और नीचे लिखना है आपका ब्लॉग का, जो आप उसमें डालना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे लिखते हैं हम टाइटल। ठीक है, तो टाइटल लिख लेते हैं, उसके बाद में मैं थोड़ा सा लिख करके आपको दिखा भी देता हूँ, हालांकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि टिकटॉक पे, मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा, इसलिए लिख रहा हूँ मित्रों कि आपको ये समझ में आए कि हाँ कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, क्योंकि मैं एक पोस्ट लिख करके इसीलिए लिख रहा हूँ। टिकटॉक वीडियो पर 500 लाइक बढ़ाएं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक नहीं, लाइक ये हो गया। अब यहाँ पे नीचे लिखना है मित्रों 500 लाइक ऐसे बढ़ाएं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे में हम लिखेंगे अपना इसके बारे में, इसे हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ से बोल्ड करना है। ये लिखा है बी, लिखा होगा आपको नीचे दिख रहा है ये, और इसी पे हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो हाईलाइट हो जाता है, अगर अंडरलाइन करेंगे अंडरलाइन, इटैलिक इटैलिक हो जाएगा। बोल्ड करना है हमें, अभी बड़ा करना है, तो ये बी पे क्लिक कर दिया और बाहर आ जाता हूँ। तो ये देखिए हमारा बड़ा हो गया करेक्टर, और होना भी चाहिए बड़ा। यहाँ पे हेडिंग भी रहता है, मैं हेडिंग आपको दिखाऊंगा। ये देखिए हेडिंग है, अगर नॉर्मल टेक्स्ट पे करेंगे तो नॉर्मल रहेगा, हेडिंग है। चलिए हम यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ अभी आपको दिखाने के लिए, खाली एक सेकेंड। ये बड़ा है करेक्टर, इसे छोटा करना है, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ फिर से। अब यहाँ पे लिखना है इस तरह से। ठीक है, मैं पोस्ट यहाँ पे कुछ लिख करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे नॉर्मल करेंगे, यहाँ पे हेडिंग है, हेडिंग पे क्लिक कर दिया मैंने, हेडिंग पे आ गया। ये देखिए हेडिंग है, तो पहले नंबर पे हेडिंग पे क्लिक करना है इसे। ये बाद में कर सकते हैं, लिखने के बाद में भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा हेडिंग और जो भी अनहेडिंग जो करना है, तो ये बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ये कुछ लिख लिया है और चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे आपको दिखेगा करेक्टर का बैकग्राउंड कलर, इसके बैकग्राउंड कलर अगर लगाना है तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से कोई एक चुन लेना है। ठीक है, मैंने एक ग्रीन वाला चुन लेना है, तो आप देखेंगे इसे सेलेक्ट नहीं किया था, सॉरी। आप देखिए अब जो मैं लिख रहा हूँ वो ऐसे ही आ रहा है, उसका बैकग्राउंड ग्रीन है। ठीक है, अगर पूरे को लिखने के बाद अगर इसे बैकग्राउंड करना है चेंज, तो आप सेलेक्ट करके उसके बाद में चूज कर लीजिए बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करना है मित्रों, हमारा ये ब्लॉग जो है पोस्ट करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सेव फिलहाल सेव कर लिया मैंने। और अभी क्या करना है, यहाँ पे ये आपको करेक्टर का कलर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, लिंक आप देख रहे हैं, इसके बारे में मैं बात बताऊँगा। ये फ़ोटो रहा, यहाँ से मैंने फ़ोटो क्लिक करना है, अब फ़ोटो डालना है ब्लॉग पे अपने, तो यहाँ पे चूज फाइल पे आना है और चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद में हमारा फ़ोटो जो है इस तरह से नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ से आ जाएगा फ़ोटो हमारा। तो हमने क्या करना है, इसे क्लिक कर लेना है कोई एक फ़ोटो जो हमें पसंद है, और हम ओपन पर क्लिक करेंगे। ऊपर आप 3 डॉट के बगल में देख रहे हैं, ओपन लिखा हुआ है, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए ऑटोमेटिक ये डाउनलोड हो रहा है, हो भी गया है बस कुछ ही सेकंड में। और फाइनली यहाँ पे ओके कर लेना है। ये देखिए जहाँ पे कर्सर रहेगा आपका मित्रों, वहीं पे आपका फ़ोटो आएगा, इतना ध्यान देना है। ओके कर लेना है। ओके करने के बाद में ये देखिए इस तरह से हमारा जो है ब्लॉग पे फ़ोटो भी आ गया। ये मैंने आपको खाली उदाहरण दिखाया है, यहाँ पे कुछ मैंने लिखा हुआ नहीं है मित्रों। ठीक है, चलिए अभी अगर आपको फ़ोटो के अलावा वीडियो डालना है तो क्या करना है, तो जहाँ पे मैंने कर्सर रखेंगे, मैंने कर्सर रखना है, ध्यान देना, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है वहाँ पे आपको आपका वीडियो या फ़ोटो अपलोड होगा। ये देखिए वीडियो का आइकन है फ़ोटो वाले के बगल में, इस पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद में दो तीन ऑप्शन होता है मेरे पास, एक तो मैं अपने फाइल से ले सकता हूँ, दूसरा मैं अपने यूट्यूब से सर्च करके निकाल सकता हूँ। तो मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं अपने यूट्यूब का ही चैनल का सर्च करके यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो चलिए मैं लिख देता हूँ आनंद आर टेक्नो, और यहाँ से मैंने अपना वीडियो कोई निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से भी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, यह हमारा YouTube से है, तो ये भी YouTube से ही था।
चूँकि मैंने पहले सेलेक्ट किया हुआ था तो मैंने इसी को ले लिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वीडियो आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ से ब्लॉग एक अच्छा सुंदर सा ब्लॉग लिख सकते हैं। अब ब्लॉग लिखने के बाद में इसके आगे की फॉर्मेलिटी जो है मित्रों, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा। यहाँ पे आइकन वगैरह आप इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से करेक्टर को मोटा पतला कर सकते हैं, आप जानते ही हैं इसके बारे में, अगर आपने वर्डपैड वगैरह लाया होगा तो, ठीक है। और इसके आगे मैं आपको क्या बताऊँ, अभी इसमें तो वीडियो भी भारी हो गया है, ठीक है। तो बस पब्लिश कर देना है, अगर पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा, लेकिन हमें अभी नहीं करना है। फिलहाल प्रीव्यू इसका देख लेते हैं कि ये हमारा लिखने के बाद में कैसा दिखेगा, ब्लॉग दिखेगा कैसा। ये देखिए प्रीव्यू मैंने क्लिक किया तो हमारा ब्लॉग इस तरह से आपको दिखेगा। इसका खाली ये डेमो है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो है ब्लॉग दिख रहा है। कमेंट सेक्शन वगैरह नीचे रहेगा सब कुछ यहाँ पे। तो मित्रों अभी आपको दिख रहा है कि हमारा ब्लॉग कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो यार अभी ये वीडियो में कुछ और चीज़ें बतानी बाकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं टाइटल वगैरह लगा सकता हूँ। यहाँ पे अगर ड्राफ्ट आप डायरेक्ट कर करते हैं ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, ठीक है। और इसे मैं चाहूँ तो डिलीट कर दूँ या फिर चाहूँ तो पब्लिश कर दूँ, लेकिन मैंने डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे इसे टिक मार्क लगा करके डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही बताऊँगा, अगले वीडियो में और भी बताऊँगा कि अपने ब्लॉग को एडिशंस कैसे अप्रूव करते हैं और इस पर और भी चीज़ें बाकी हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उस वीडियो को जरूर देखना। उस वीडियो का नाम ब्लॉगर पार्ट 1 करके रहेगा, पार्ट 2 करके